हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज सिद्धार्थ जैन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी दिस इज अथ लेक्चर ऑफ यूनिट टू वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग इन दिस सब्जेक्ट क्वानी एस्टिमेशन एंड द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ओके वी विल डिस्कस अबाउट द टेंडर इन द प्रीवियस लेक्चर वॉट इज एंड दट इज द कंटेंट इन द प्रजेंट ऑफ टेंडर नोटिस एंड द टेंडर डॉक्यूमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में टेंडर के बारे में जाना था टेंडर क्या होता है टेंडर नोटिस टेंडर के टाइप क्या होते हैं टेंडर नोटिस में क्या होना चाहिए वो होता है, क्या है एंड टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं उसके बारे में जाना था आज हम प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग देखेंगे कि टेंडर के क्या प्रोसेस होते हैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक और अनलिमिटेड टेंडर कैसे मिलता है किसी चीज़ को क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर द सेलेक्शन ऑफ टेंडर ओके नाउ दीज आर द प्रोसेस ऑफ टेंडर वी कैन सी दिस स्लाइड फर्स्ट इज नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर तो नोटिस टें नोटिस इन्वाटेड टेंडर हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि उसके क्या कंटेंट होना चाहिए क्या नोटिस होता है इसके बारे में जान चुके हैं दूसरी चीज़ होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके बारे में भी जानेंगे हम तीसरी होती है टेंडर डॉक्यूमेंट इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं देन प्री मीटिंग प्री मीटिंग क्या होती है देन बिड सबमिशन बिड ओ ओपनिंग बिड एवोल्यूशन पोस्ट बिड मीटिंग रिपोर्ट फॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली लास्ट अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में जानेंगे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेंडर नोटिस के बारे में इसके बारे में हम जान चुके हैं टेंडर नोटिस क्या होता है एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है जो ओनर या अथॉरिटी प्रोवाइड करती है फॉर द इनवाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड बिडर फॉर फॉर अप्लाई फॉर द टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और प्रोजेक्ट ओके ये फॉर्मल होता है इसको कैसे कैसे पब्लिश करते हैं इसको हम एडवर्टाइज करते हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं या आप ई इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइज देते हैं हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना है इसका टेंडर हमने एडवर्टाइज किया है ओके हमने ये पिछली क्लास में देखा था कि जो टेंडर टर्म्स प्रजेंट होते हैं कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो टेंडर नोटिस में होती हैं उसके बारे में हमने जाना था तो दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट शुड बी प्रेजेंट इन द टेंडर नोटिस वी वी सी अबाउट दिस नाउ सेकेंड थिंग वी अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वॉट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर का इंटरेस्ट टेंडर के प्रति उसका क्या इंटरेस्ट है वो लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है और किस तरीके से वो टेंडर फाइल करेगा टेंडर अप्लाई करेगा तो so, उसका उसका किस तरीके से क्या पर्पज़ मतलब किस तरीके क्यों लेना चाहता है उसका इंटरेस्ट क्यों है और किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा इस टेंडर को या इस प्रोजेक्ट को और किस मूड में वो अप्लाई करेगा टेंडर को तो टेंडर डॉक्यूमेंट फिल करने के लिए या पास करने के लिए जनरली टू दो मेथड होते हैं एक होता है मैनुअल टेंडरिंग जिसमें पेपर टाइप टेंडरिंग होती है इसको फिल करना पड़ता है टाइप रेटिंग में हमको सबमिट करना होता है बाय अ क्लोज एन लप एंड दूसरा होता है हमारे पास ई टेंडरिंग जिसमें इंटरनेट के थ्रू ई टेंडरिंग पर जाके ई e सबमिशन करना पड़ता है इंटरनेट सबमिशन में करना पड़ता है तो उसको इंटरनेट के थ्रू करना पड़ता है ओके दो टाइप के टाइप ऑफ सबमिशन होते हैं फॉर द फिलिंग और द फॉर द टेंडरिंग दो तरीके सकते हैं तो जो एक्सप्रेशन या इंटरेस्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर का किस परपज के, के लिए वो करना चाह रहा है या किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ना अब हम समझते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में तो टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में भी हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा था टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए उसको डिटेल में हमने समझा था तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडर डॉक्यूमेंट में सही तरीके से फॉर्म्स डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि कैसे काम होगा कहाँ पे काम होगा किस तरीके से काम होगा जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी सप्लाई है उसकी अवेलेबिलिटी कैसे होगी और सारे तरीके डिस्प्यूट्स या कुछ भी तरीके से होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा किसके पास हम जाएंगे उस तरीके से होता है और टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है बेसिकली वो डॉक्यूमेंट जिसको देख कर कोई भी टें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना टेंडर फाइल करता है इसको कॉस्ट होती है इसको परचेज करना पड़ता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का फ्रॉम द ओनर ओके इसके बारे में जाना था नाव अब हम समझते हैं जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ टेंडर तो टेंडरिंग के लिए जरूरतमंद होती हैं पहली उसके बाद होती है टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद होता है प्री वेड मीटिंग नाव अब जिस जिस कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर ले लिया है टेंडर अप्लाई कर दिया टेंडर डॉक्यूमेंट परचेज कर लिया है और उसको फिल करके सबमिट कर दिया है क्लोज एंडल्प में तो उसके बाद एक प्री वेड मीटिंग होती है उसमें सारे तरीके के एग्जीक्यूटिव जो पर्सन वो पर्सन जो टेंडर को डाल रहे हैं जो ओनर है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो अथॉरिटी है ओनर की तरफ से वो रहता है बिडर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इंप्लाइस होते हैं कंसल्टेंट होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी जो टेंडर को डाल रही है वो होती है और उनके बीच में मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद कुछ पॉइंट डिस्कस होते हैं किस पॉइंट पर डिस्कशन होता है वो पॉइंट्स हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ बिडर कॉन्ट्रैक्टर कि जो बिडर है जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके क्लासिफिकेशन कर दिए जाते हैं कि आप पर्टिकुलर इसमें हो आप टेक्निकल या कमर्शियल तरीके से किस तरीके से आप सेटिस्फाई करते हो या फिर इसमें फ़िट बैठते हो दूसरा या होने चाहिए भी अल्टीमेटली क्या होने चाहिए टेक्निकली एंड कमर्शली दूसरी चीज कम्युनिकेशन कम्युनिकेट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट में कोई एडमिशन इंफॉर्मेशन है या उस लैंड पर हम काम कर रहे हैं वो डिस्प्यूटेड है या तो उसके आसपास की चीज़ डिस्प्यूटेड है या तो फिर आसपास के लोगों को कुछ परेशानी है तो उसके बारे में बात हो जाती है नेसेसरी डिविजन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट एज द एज पर इंडस्ट्री फीडबैक हम उसको एक बार टेंडर डॉक्यूमेंट को वहाँ पर रिवाइज़ करते हैं दोबारा तो तरीके से पढ़ा जाता है जिससे जो ओनर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन दोनों को सारी चीज़ें तरीके से क्लियर हो जाएँ कॉन्ट्रैक्टर को खासकर सही तरीके से क्लियर चीज़ें हो जाएँ उसको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं उसने पढ़ा नहीं हो ना पढ़ा हो दूसरा होता है इंश्योर मिनिमम डेविएशन ये भी बता देते हैं कि कितना डेविएशन रख सकते हैं कैसे डेविएशन कॉस्ट का डेविएशन टाइम का डेविएशन जैसे कि अब मान लिया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट उसने रखी टू हंड्रेड करोड़ रुपीज तो उसने बोला कि इसमें डेविएशन दस परसेंटेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है अगर 10, 5 की 10 की बात करते हैं तो प्लस माइनस ट्वेंटी करोड़ कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी टू ट्वेंटी करोड़ से ऊपर बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं जानी चाहिए इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो या कोई भी जिम्मेदारी आपकी होगी मिनिमम आप 180 से कम नहीं जाना कम इसलिए की जानना कि उसके नीचे काम कहते हैं प्रोजेक्ट में क्वालिटी जो होगी जो मटेरियल की क्वालिटी होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा तो हमें नीचे भी नहीं जाना ऊपर नहीं जाना तो इस पर इस पर हमारी एक डेविएशन फिक्स कर दिया जाता है कि मिनिमम डेविएशन है और इसका टाइम पे भी कर दिया जाता है जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा ड्यूरेशन है वो मान लिया टू टू ईयरस का है उसने बोल दिया कि प्लस माइनस टू मंथ्स या प्लस टू मंथ्स माइनस नहीं कहेंगे प्लस टू मंथ्स यानी कि दो साल से दो महीने ज़्यादा तक इसको नहीं कह सकते ट्वेंटी सिक्स मंथ से ज़्यादा हम इसको कॉस्ट को नहीं रख सकते इससे कम ही करना होगा अगर की तो आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर आपको ऐसा चार्ज देना पड़ेगा जो भी आपको होता है ठीक है उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को भी अगर कुछ और दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं यानी कि एक ऐसी मीटिंग होती है जिसके बाद जो कुछ डिपॉजिट मनी कर मनी डिपॉजिट करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को वो इंश्योर हो जाए कि हाँ ठीक है अब यहाँ पर हम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं हमको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो चाहिए डिस्कसन हो जाएँ तो किसके बाद होती है टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदने के बाद एक मीटिंग होती है इसको बोलते हैं प्री बिड मीटिंग जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और ओनर जो अथॉरिटीज होती हैं जो भी इंप्लायर्स होते हैं कंसल्टेंट होते हैं गवर्नमेंट होती होती है उन सारे के बीच में कोई डिस्कशन हो जाए ओके okay. नाउ उसके बाद होता है बिड सबमिशन अब प्री बिड सबमिशन के बाद सभी कॉन्ट्रैक्टर अपने बिड्स बिड bid रख लेते हैं बिड अपने आप समझ लेते हैं कि जिससे इसको मीटिंग के बाद समझ में आ जाता है कि हमको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो एक एनवलप में अपना अपना टेंडर फाइल कर, कर देता है और एनवलप क्लोज करके उसको सबमिट कर देता है ओके साइन सील्ड करके सबमिट कर देता है अभी सबमिशन जो होता है वो जनरली हर अलग अलग दो तरीके के होते हैं एक होता है सिंपल सिंगल स्टेज बिडिंग यानी कि उसमें पूरा जो वो टेंडर है डॉक्यूमेंट है वो सील पैक करके सिंगल एक बार में हमने अथॉरिटी को दे दिया ओनर को दे दिया दूसरा होता है टू स्टेज इसमें क्या होता है कि पहले स्टेज में हमको टेक्निकल पार्ट को सबमिट करना होता है टेक्निकल पार्ट यानी कि एस्टिमेट्स वगैरह टाइम वगैरह और कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें दूसरी चीज़ में हमको कमर्शियल पार्ट देना होता है उस पार्ट की प्राइस पार्ट को सबमिट करना होता है दो स्टेज में करते हैं जनरली दो स्टेज फर्स्ट कहीं भी दोनों चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं ओके तो सबमिशन करना होता है बिड सबमिशन सबमिशन मतलब प्री बिड मीटिंग में मीटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं जो जो कॉन्ट्रैक्टर और जो लेना चाहते हैं देन वो कॉन्ट्रेक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से अन्यस्ट मनी डिपॉजिट करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को सबमिट कर देते हैं इसको बोलते हैं सबमिशन दो तरीके हो सकता है एक हो सकता है सिंगल स्टेज में सिंगल बार में single, एक एक बार में और दूसरा होता है टू स्टेज जिसमें पहले टेक्निकल टर्म्स को रखा जाता है देन कमर्शियल टर्म्स को सबमिट किया जाता है डॉ इसके बाद हमारे पास आती है बिड ओपनिंग दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट बिड ओपनिंग का मतलब होता है कि एक ओपन जगह पे एक कॉमन मीटिंग में बुलाया जाता है कि डेट टाइम वेन्यू फिक्स होती है कि इस टाइम पर इस जगह पर इस दिन हमारी बिड ओपन होगी यानी कि सभी कॉन्ट्रैक्टर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने टेंडर लिए हैं वो टेंडर सभी के ओपन होंगे और उसमें देखा जाएगा कि दो फैक्टर को देखा जाएगा कौन कौन से फैक्टर मेनली दो फैक्टर को देखा जाएगा उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैक्टर देखा जाएगा कि किसकी कॉस्ट और टाइम फिट बैठ रहा है उसको हम कर देंगे ओके तो टेंडर बोर्ड जो टेंडर ओपनिंग करते हैं उसमें टेंडर बोर्ड होता है उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं तो टेंडर बोर्ड में कौन कौन होता है कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर जो बेसिकली टेंडर डाल रहा है जो चाहता है कि हम अपने प्रोजेक्ट हो चेयरमैन उस कंपनी का उस जगह का चेयरमैन बोर्ड मेंबर सीईओ कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियन इंस्टीट्यूट जो पोर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है जो फाइनेंस करेगा जो पैसे देगा मीट्स ऑन नॉमिनेटेड ऑन द नॉमिनेटेड डे एंड द टाइम टू बी ओपन दिस सील बिट्स ओके उसके बाद हम सारे सील ब्रेक करते हैं सारे को टेंडर्स की एवलप की और देखते हैं कि किसका टाइम वगैरह देखते हैं इसमें इसका इसका भी इवेल्यूशन होता है उसका इवेल्यूशन कुछ पॉइंट्स पर कुछ बेसिस पर रखते हैं उसके बारे में जानेंगे अब आ, लेट विट इसमें अगर हमारे पास एक जिस जिस टाइम पे बिडिंग होनी होती है उसके पहले अगर सारे सारे सबमिशन नहीं हुए हैं सारे टेंडर नहीं हुए हैं तो उसको अप्लाई नहीं करते उसको मानते नहीं है उस टाइम के बाद अगर कोई सबमिट करता है अपना टेंडर तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको नहीं मानते हैं अब इस चीज़ों में थोड़े से टर्म्स लेने पड़ते हैं स्टेप्स लेने पड़ते हैं जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन अनाउंसमेंट ऑफ बिडर्स हमें सभी तरीके के पार्टिसिपेंट और जो बिलडर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बारे में बताना होता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्टर है इसने इतने पैसे में यहाँ पे इतना लिया है उस में कर दिया दूसरे वाले को बताना पड़ता है सभी की अटेंडेंस मार करनी पड़ती है अगर कोई बॉन्ड है बिड बॉन्ड है तो उस बॉन्ड का डिक्लेरेशन करना पड़ता है टेक्निकल गारंटी अगर टेक्निकल कुछ अथॉरिटी है तो उसको भी डिक्लेरेशन करना पड़ता है और बिड सिंगल स्टेज बिड है डिक्लेरेशन ऑफ बिड प्राइज प्राइस भी करनी पड़ती है अगर सिंगल स्टेज या मल्टीपल है तो नहीं करनी पड़ती उसको छोटा सा टर्म करना पड़ता है तो बिड ओपनिंग एक ओपनिंग है जिसमें सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और सारे सभी के टेंडर ओपन होते हैं ओके okay? और उनकी प्राइस वगैरह बर्स की जाती है उसके बाद हम इवोल्यूशन करते हैं बिड का एवोल्यूशन करते हैं यानी कि चेक करते हैं कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर का बिड सही है कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का जो टेंडर है वो सही है जिसका जिस स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड को हम सही मान लेते हैं अपने कुछ टर्म्स के कुछ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको हम रख लेते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जगह पे काम करने के लिए बोल देते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर अल्टीमेटली उसको रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है यानी कि एक एक ऑफिसर मिल जाता है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले हो और बाकी की इसकी मनी डिपोजिट कर लेते हैं उसको वापस कर देते हैं ओके सॉरी अन्य सब मनी डिपोजन वापस नहीं करते हैं सिक्योरिटी मनी होती है वो अब अल्टीमेटली वापस करते हैं आफ्टर द आफ्टर द गिविंग द रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओके अब बिड एवेल्यूशन होता क्या है बिड एवोल्यूशन एक टीम होती है एक्सपर्ट्स की जो जो पर्टिकुलरली इस चीज को देखते हैं किस चीज को टेंडर को देखते हैं जनरली द बिड एवेल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व अ टीम ऑफ एक्सपर्ट और पैनल विच इज लीड बाय द फ्रंट बाय ए सिंगल पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल और द इंटर डिपार्टमेंट मतलब एक पर्सन होता है जिसके अंडर सारी एक पूरी टीम होती है वो पर्सन सारी टीम को लीड करता है और सारी टीम से डिस्कशन के बाद उस उस बिड को या उस स्टैंडर्ड को एवोल्यूट किया जाता है वही इस टीम को मेन गीड गाइड करता है उसके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रेक्टर होते हैं उनको भी लीड करता है उनको भी देखता है ना उस पर्सन को हम बोलते क्या है उस पर्सन को जनरली बोला जाता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट मैनेजर ओके ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमको ये टेंडर को पास करना होता है या एवेल्यूट करना होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो टेंडर्स होता है जो बिड होता है वो एवेल्यूट होता है रेस्पेक्टिव टेक्निकल लीगल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट वो जो टीम हमारे पास है जो एक्सपर्ट की टीम है वो एक्सपर्ट कौन कौन होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट जो लीगली का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कमर्शियल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो समझ जाते हैं कि इतना फाइनेंस इतना पैसा दे सकते हैं इतना पैसे में काम हो सकता है नहीं ये ज़्यादा है ये सही है ये कम है ये सबको देख सकते हैं तो जो टीम होती है उसमें सारे जो एवोल्यूशन करते हैं वो हमारे पास टेक्निकल लीगल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के द्वारा होता है ना प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम द बिडर्स जब एवोल्यूशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन अगर कोई करना चाहता है तो हो सकता है बिल्डर्स और, और, और सभी के बीच में ना no. All expect of are evaluated. सारे देखे जाते हैं। हैं? वो क्या है? हम अभी देखेंगे। सारे तरीके की चीजों को देखा जाता है उनको उस उस बिड को या उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस स्टैंडर्ड को देखने के लिए नाउ एवरी बिडर गेट अ फेयर चांस ऑफ विनिंग कॉन्ट्रेक्ट सारे बिडर को सारे कॉन्ट्रेक्ट को फेयर चांस मिलता है कि हाँ आपके आपके लिए ये है लेकिन अगर उससे ज़्यादा कोई ये एक तरीक, इसी तरीके जितने तरीके का बिल्डिंग है ये 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 किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पे ये आता है हमारा कॉम्पिटेट वाला कॉन्ट्रैक्ट पे ओके तो कहाँ थे हम एवरी बिडर गेट हैं फेयर चांस सभी तरीके के बिल्डर्स को या कॉन्ट्रैक्टर को फेयर चांस मिलते हैं फेयर चांस कैसे मिलते हैं उन्हें पहले से ही प्रिपरेशन करके आनी पड़ती है कि उन्होंने बोला गया कि टाइम और कॉस्ट वाला फंडा तो टाइम और कॉस्ट सभी लोग मेंशन करके आते हैं और क्वालिटी पे। फॉर गिवन क्वालिटी जो डिजायर क्वालिटी है ये टाइम ऑफ कॉस्ट कब बोलते हैं जो हमारे जो ओनर है वो कह रहा है कि हमें डिज़ायर क्वालिटी का काम मिल रहा है अगर डिजायर क्वालिटी का काम नहीं है तुम क्वालिटी डिक्रीज कर रहे हो तो पहले से ही तुम्हारा कॉन्टैक्ट या टेंडर रिजेक्ट कर दिया जाएगा अब हमारे पास क्या एस्पेक्ट्स हैं क्या टर्म्स हैं क्या चीज़ें हैं जिसको देखकर हम अपना कॉन्टैक्ट को एवेल्यूट करते हैं तो दी जाती है थ्री टर्म्स थ्री पार्ट्स जिसको एवेल्यूशन होता है सबसे पहला हमारा एवेल्यूशन तो टेक्निकल एवोल्यूशन कि जो टेंडर दिया है उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं टें टेक्निकल एस्पेक्ट्स यानी कि बीम्स कॉलम की साइज़ वगैरह जो मेंबर्स के साइज़ होते हैं रिइंफोर्समेंट है जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं स्ट्रेंथ वगैरह हैं वो सारी चीज़ें सही तरीके से हमारे जो अंडर हैं वो हैं कि नहीं हमने जो, जो डिजायर स्ट्रेंथ थी डिजायर टेक्निकल टर्म से उसके अंडर हैं अगर डिजायरेबल हैं अगर डिजायरेबल हैं देन इट इज ओके हम उसको पास कर देंगे कमर्शियल देखते हैं कमर्शियल में भी अगर डिजायरेबल हैं देन इज ओके एवर्टाइज कैपेसिटी इवोल्यूशन अगर वो पर्टिकुलर बिल्डर या पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी के हिसाब से है हमने जो प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी है वो कैपेसिटी के लायक है वो उसने प्रीवियस को ऐसा काम किया है अच्छा है इस कैपेसिटी का इससे आसपास कैपेसिटी का दैनज ओ ओके उसको हम आगे बढ़ा देते हैं ओके दीज आर दवॉल्यूसन टाइप्स विच इज़ इंक्लूडेड फॉर द इ्यूशन ऑफ बेड और कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर प्री मीटिंग हो गई प्री बिड मीटिंग हो गई पहले बात कर ली देन हम हमने टेंडर ओपन कर लिया उसके एवोल्यूशन में कर लिया और uh, इवोल्यूशन के बाद हमको पता पड़ गया कि एक आदमी कि एक कॉन्ट्रैक्टर हमारे पास ऐसा होगा जो हमारी सारी कंडीशन में फिट बैठ रहा होगा तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं अब उसके बाद हम मीटिंग क्या करते हैं असिफर बात करते हैं कि इस पर्सन ने हमने है इस पर्सन को हमने चूज किया है इस पर्सन क्या क्या क्वालिटीज़ थी क्या क्या कंडीशन थी जिसको फिट बैठा है और इसको हमने चूज किया इसके बारे में बताना होता है ओके

पोस्ट विट मीटिंग में हम सारे बिडर्स को इंडिविजुअली बुलाते हैं या अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि आप में ये गलतियां थी आप में ये गलतियां थी और हमने अल्टीमेटली इसको चूज किया है इसमें सारी गलतियां नहीं थी या हमारे लिए फिट बैठ रहा है अगर कोई बिडर या कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए फिट नहीं बैठता तो उसको सारे उस टैंडर्ड को कर दिया जाता है कैंसिल कर दिया जाता है हटा दिया जाता है कोई भी कोई भी अगर टेक्निकल पार्ट फ्रीज आउट होता है बेकार हो जाता है कोई भी चीज़ हमें सही नहीं लगती है तो उस पूरे टेंडरिंग प्रोसेस को हम कैंसिल कर देते हैं दूसरा नया टेंडर अप्लाई किया जाता है ओके ना अल्टीमेटली हम रिपोर्ट फॉर्म करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ और, और सॉरी रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को या बिल्डर को ना रिवॉर्ड फॉर्मेशन क्या है? करते हैं रिपोर्ट फॉर्मेशन में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं इसमें यह लिखा जाता है कि किन किन बेसिस पे हमने रिवॉल्यूशन किया है किसको चूज किया है और किसको हटाया है वो तीन तीन हम लोवेस्ट स्टैंडर्ड को देखते हैं जिसको हटाया जाता है उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं और हाइयर वाले को लिखा जाता है देन द टाइप ऑफ टेंडर बताया जाता है क्लोजिंग डेट बाकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं एक बार देख लेते हैं इसको भी बिफोर द रिलीज ऑफ ऑर्डर और अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको अल्टीमेटली हम एक लेटर होता है जिसको देना होता है कॉन्ट्रैक्टर को जो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट काम को करेगा जो वर्क को करेगा उसके पहले एवेल्यूशन रिपोर्ट तैयार की जाती है ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए और फ्यूचर डिफेंस के लिए उस रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं उस रिपोर्ट में सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम दे रहे हैं उस अल्टीमेटली अथॉरिटी को जो हेलमरी कॉन्ट्रैक्टर को वो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं क्या क्या चीज़ें हैं टाइप ऑफ टेंडर किस तरीके टेंडर किया था ओपन किया था क्लोज़ किया था स्पेशल किया था किस तरीके किया था क्लोजिंग डेट ऑफ टेंडर डिटेल्स ऑफ टेंडर रिसीव उस पर्सन को जिस पर्सन को हमने दिया है टेंडर उसकी डिटेल्स क्या क्या हैं वो सारी डिटेल्स रिपोर्ट में मेंशन होनी चाहिए कि इसने इस टाइम पे इस कॉस्ट पे इस स्ट्रेंथ पे काम बोला है करेंगे तो उसकी चीज़ें सारी मेंशन होनी चाहिए ना टेक्निकल कंप्लियंस ऑफ टेंडर टेक्निकल टर्म से होने चाहिए अब हमको तीन एनालिसिस ऑफ थ्री टेंडर तीन टेंडर जो नीचे के आते हैं उनकी एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि वो तीन टेंडर क्यों फ़ेल हुए हैं वो क्यों हटे हैं तो उनके एनालिसिस रख देते हैं कि टेंडर इनकी क्राइटेरिया फेल हुए हैं तो उस चीज़ को देख के जो बाद में टेंडर अप्लाई करता है तो उस चीज़ को सही कर सके तो तीन एनालिसिस होनी चाहिए उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी हमारे पास होना चाहिए नाव रिकमेंडेशन ऑफ असिस्मेंट पैनल जो पैनल वहाँ बैठी गई थी जिस जिसने कमर्शियल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल टर्म एक्सपर्ट्स थे उन पैनल्स का क्या रिकमेंडेशन है क्या सजेशन है उस सजेशन को भी इस रिपोर्ट में अल्टीमेटली लिखना चाहिए ये रिपोर्ट फाइनल हो जाती है इस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि हम किस व्यक्ति को किस कॉन्ट्रैक्टर को अपना uh, अपना कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट देने वाले हैं उसको दे देते हैं नाव अब अल्टीमेटली हमारे पास एक रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो एक फॉर्मल पेपर होता है एक एक पेपर होता है जिसको हम जिसको हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप अपना काम स्टार्ट कीजिए तो उसके बारे में देख लेते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए यहाँ हमारे पास अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो जो हम पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं जो होता है क्या है बेस्ड ऑफ द एवोल्यूशन रिपोर्ट जो हमारे पास एवेल्यूट करने के बाद रिपोर्ट बनी है जिसकी प्रीवियसली रिपोर्ट थी रिपोर्ट फॉर्मेशन है इसको एवेल्यूशन रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको एवेल्यूशन रिपोर्ट भी बोलते हैं ओके बेस्ड ऑन द एवेल्यूशन रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ असिस्मेंट पैनल बेस्ट फिट बिडर इज सक्सेसफुल डिक्लेयर एक बेस्ट फिट बिडर या कॉन्ट्रैक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है उसको ये अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है ठीक है अ लेटर इसमें वो होती होता है क्या इसमें के है इसमें क्या क्या टाइम होते हैं वो भी देख लेते हैं अ लेटर ऑफ अवार्ड अवार्ड सक्सेसफुल बिडर अब बिल्डर इज आस टू सबमिट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस गारंटी विच कुड बी या बैंक गारंटी डिमांड ड्राफ्ट फिक्स अब उसको एक अमाउंट सबमिट करना होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको बोल दिया गया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है अब आपको एक अमाउंट सबमिट करना पड़ेगा वो जनरली 10 परसेंट होता है पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वो अमाउंट क्यों लेते हैं हमने बताया था गारंटी के रूप में वो गारंटी होती है एक डिमांड ड्राफ्ट या कुछ भी ले लेते हैं वो गारंटी होती है कि आप इस काम को इंश्योर लोग करोगे आप भाग तो नहीं जाओगे आप उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला पैसे नहीं तो वैक्ट्रेस कहीं से उठाएगा लेकिन पैसे उठाने से पहले कुछ सबमिट कराने होते हैं पैसे मतलब कहीं से लेगा लोन वगैरह तो सबमिट कराने होते हैं वो सबमिट इसीलिए कराना होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करते आप काम को नहीं करते हो बीच में भाग जाते हो तो आपको जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाएंगे आपके जो पैसे हैं वो ओनर रख लेगा वो नहीं दिया जाएगा तो उस पैसे को उस उस सिक्योरिटी के लिए वो ओनर अपने पास पैसे रखता है ओके ये पैसे वापस कब करते हैं जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है तो उस जो मनी को हो वो डिपॉजिट मनी को हम एज अ प्रॉफिट या उसको वापस कर देते हैं आप अपने रखिए पैसे जो कॉस्ट ऑफ़ कंस्ट्रक्शन उसके साथ उसको पैसे वापस कर देते हैं एक गारंटी के रूप में रखने के बाद कंस्ट्रक्शन काम पूरा हो गया तो पैसा आप वापस आप ले लो ओके उससे बोला जाता है कि कब तक आप सबमिट करोगे ये ये मांगा जाता है ये सबमिट करना होता है उसको अ कॉन्ट्रेक्ट बिटवीन द बिडर एंड एम्प्लॉय एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पर डिपेंड करते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को भी डिस्कस किया था उस लॉ के बेसिस पे एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है और दोनों के साइन होते हैं किसके साइन होते हैं एम्प्लॉयर के एंड द कॉन्ट्रैक्टर के ठीक कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेस राइट्स और बींग ड्राफ्टेड कॉन्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लीगेशन राइट्स जो भी होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के जनरल वो भी लिखे जाते हैं टेक्निकल ऑबलेसन सारे क्लियर रहते हैं क्वालिटी क्लियर रहती है कम्पटिशन शेड्यूल क्लियर रहता है कि कितने परसेंटेज ऑफ काम कब तक होना है और कितना कंप्लीसन टाइम कितना होना है प्रोजेक्ट का पेमेंट शेड्यूल क्लियर ही रहता है कि पैसे आपको कम मिलेंगे आपको 40 परसेंट वर्क होने के बाद इतना पेमेंट इशू होगा 30 परसेंट वर्क होने के बाद इतना पेमेंट इशू होगा धीरे धीरे कितना पेमेंट इशू होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट इज साइन एंड मूवड फॉर एम्प्ली यू मैंसन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और कॉन्ट्रैक्टर को मिल गया देन अपना काम अब स्टार्ट कर सकता है सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं ये एक प्रोसेस होता है हमारा टेंडर का टेंडर के बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप समझ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप समझ चुके हैं अल्टीमेटली अब काम स्टार्ट हो गया है दी ज़्यादा प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग हमने इस क्लास में टेंडर की प्रोसेस सारी समझी क्या क्या प्रोसेस होती है हर स्टेप को समझा हर स्टेप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किसी टर्म के बेसिस पे किसी फैक्टर के बेसिस पे वो चीज़ें डिस की जाती हैं तो हमने इस क्लास में प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग समझा इसमें नोटिस इन टेंडर जो हमें नोटिस होता है सिंपल तरीके से जो टेंडरिंग के लिए हम अपने किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर टेंडर को अप्लाई करते हैं देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी टेंडर को प्रोसेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए कि और क्या प्रोसीजर लेगा क्या स्टेप्स लेगा उसको करने के लिए और किस तरीके से सबमिट करेगा वो कह जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टेंडर डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें लिखी होती हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको देख कर कॉन्ट्रैक्ट contract उस कॉन्ट्रेक्ट को अप्लाई करेगा कॉन्ट्रैक्टर उस टेंडर को अप्लाई करेगा देन प्री बिड मीटिंग होती है जो कॉन्ट्रैक्टर और जो भी एम्प्लॉयर है उनके बीच में होती है जिसमें रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो टेंडर में नहीं लिखी हुई है कुछ एडिशनल थिंग्स उसको क्लियर किया जाता है उस टेंडर को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है नाउ बिट सबमिशन इन मीटिंग के बाद कॉन्ट्रैक्टर सारी चीजें समझ जाता है नाव अपने बिट को या अपने टेंडर को सबमिट कर देता है फिर तो सबमिट करने के बाद एक ओपनिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और एक्सपर्ट्स अलग अलग क्राइटेरिया पर एक्सपर्ट्स बैठते हैं उन सारे टेंडर को ओपन करते हैं एंड एवेल्यूट करते हैं किस में बिड इवेल्यूशन में देखते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सही है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट गलत है उन सबको इवेल्यूट करते हैं देन उस एवेल्यूशन के बाद पोस्ट बिड मीटिंग होती है जिसमें यह बताया जाता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर में क्या कमी थी और किस में क्या दिक्कत थी और कौन सा सही था अल्टीमेटली रिपोर्ट फॉर्मेशन बनाई जाती है रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें किस कॉन्ट्रैक्टर को हमको काम देना है ओके okay? और कॉन्ट्रैक्ट काम देना है कॉन्ट्रैक्ट की डेट और क्या कहते हैं तीन जो टेंडर हैं वो किस क्राइटेरिया में फेल हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है और हमारी एक ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार हो जाती है अल्टीमेटली हम अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो एक जो एक लेटर होता है जो अल्टीमेटली किसी अथॉरिटी को दिया जाता है या अथॉरिटी नहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है और बोला जाता है कि आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना काम स्टार्ट कर सकता है उसको लीगल परमिशन मिल चुकी है कि आप एक काम को कर स्टार्ट कर सकते हो तो अपना काम स्टार्ट करने लगता है उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने लगता है तो इस क्लास में हमने सारे तरीके के प्रोसेसन भी टेंडरिंग के हमने इस सब इस टॉपिक में इस चैप्टर में टेंडर के बारे में जान लिया है टेंडर के प्रोसेस के बारे में जान लिया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लिया है कॉन्ट्रैक्ट किसी टाइप के होते हैं उसके बारे में जान लिया और बाकी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके बारे में जान लिया अब कुछ लॉज वगैरह कुछ होते हैं उसके बारे में हम जान लेंगे अगली क्लास में तो आज ही क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं आज ही क्लास हमने टेंडिंग के प्रोसेस समझे सारे प्रोसेस को समझा अल्टीमेटली जो रिवॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को मिल जाता है दिन वो अपना काम स्टार्ट कर देता है तो आज ही क्लास में इतने रखते हैं अब हम अगली क्लास में मिलते हैं थैंक यू